नोएडा की महागुण सोसाइटी से शुरू हुआ विवाद अब दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज को भी अपने घेरे में लेने वाला है। यहां घरेलू कर्मचारियों और गार्ड्स के बीच हुई हिंसा के बाद से तनाव अब भी बना हुआ है। सोसाइटी ने कई दर्जन मेड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पुलिस के साथ मिलकर यहाँ काम करने वाले हजारों लोगों की पहचान का काम करेंगे। महागुण मॉडर्न सोसाइटी में घरेलू कर्मचारियों और सोसाइटी निवासियों के बीच हुए हंगामे के बाद इन कर्मचारियों की पहचान पर कई सवाल उठाए गए, जिसके बाद आसपास के निवासियों ने एक मीटिंग की और तय किया कि सही पहचान के सबूत के साथ ही मेड्स को दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा और उनकी तनख्वाह उनके बैंक खातों में डाली जाएगी। इसी बीच यहाँ काम करने वाले लोगों को बांग्लादेशी होने की तोहमत लगाकर निकाल दिया गया। के छोकरा बांग्लादेशी पकड़ के ले जा रहे हैं, हमके बांग्लादेशी, हम दिल्ली में रह रहे बंगाली, इसका मतलब बांग्लादेशी है क्या? हम प्रूफ है फिर भी बांग्लादेश बोल रहा है, तो हमें पहले लिया था वो सोच समझ के तो लिया, अब बांग्लादेश क्यों बोल रहा है? हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग बंगाल से हैं और कई तो आसपास के इलाकों से आते हैं और कुछ तो उन सीमावर्ती क्षेत्रों से हैं जिनका भारत में हाल ही में विलय हुआ है। कोई सलारपुर से आती है, कोई बड़ोला से आती है, कोई सामने वाला झुग्गी से भी आती है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि न उन्हें कर्मचारियों के पहचान पत्रों पर भरोसा है और न ही पुलिस पर। But you also know that what you, आप क्या मांगोगे? आधार कार्ड मांगोगे, पैन कार्ड मांगोगे, इलेक्शन कार्ड मांगोगे? They all have it. Without a police verification, they are not allowed to enter. What kind of a police verification is being done? You know. They are just taking the bribes and doing the verification. There is no back check from their villages. Nothing. Verification is a farce. इस घटना के बाद फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि वो सभी की सही पहचान करवाने में पुलिस की मदद करेंगे, क्योंकि सही पहचान न होने के कारण असामाजिक तत्वों को मौका मिलता है, इससे मजदूरों को भी परेशानी होती है और शांति का माहौल खराब होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल बांग्लादेश से आके रह गए हैं, उनके बारे में जानकारी पता करें तो वो कहते हैं हम बिहार के हैं, हम बंगाल के हैं, जबकि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश से भी आकर यहाँ पर बसे हैं। सभी RWO ने मिलकर एक अभियान चलाया है कि हम पुलिस के साथ मिलकर सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। मामला अब सियासी रंग ले रहा है और BJP नेताओं के साथ साथ मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी महागुण सोसाइटी के निवासियों और कर्मचारियों से मिले। ये साफ हो रहा है कि एक मेट से बदसलूकी का ये मामला अब क्षेत्रीय और सांप्रदायिक रंग ले सकता है। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।